नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। सो अभी हम आ चुके हैं जैनबगंज चौराहा और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का एक्सप्लोरिंग वीडियो जैनबगंज चौराहे का, जो कि शुक्ल बाजार जिला मेठी में है। तो साइड की तरफ यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर शुक्ल बाजार है और इसके पीछे की बात करें तो यहाँ से पीछे रानीगंज चौराहा है और आगे रानीगंज होते हुए सीधा जगदीशपुर या वारिसगंज या अयोध्या कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जैनबगंज चौराहे का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ का। तो एक चीज़ तो होता है भाई, किसी भी चौराहे पे जाओ तो कोई ना कोई चाट की दुकान ज़रूर होती है। तो हर चौराहे की तरह यहाँ पर भी एक यादव चाट भंडार की दुकान है, जैसे कि आप देखते हैं यादव जी चाट बनाने में व्यस्त है। क्या नाम भैया? आरुषि यादव। तो आरुषि यादव नाम से चाट की दुकान है। तो इस चौराहे की बहुत ही स्वादिष्ट चाट की दुकान है, हमने ऑर्डर दे दिया है, भाई साहब बना रहे हैं हमारा चाट भी और नूडल भी बनाते हैं। तो नूडल और चाट खाना है जैनबगंज में, तो आप विजिट कीजिए, तो मिलिए भाई साहब की दुकान पे आके और खाइए स्वादिष्ट चाट। और थोड़ा सा जैनबगंज का और नज़ारा दिखाएंगे, थोड़ी दूर पे आगे जाके मंदिर है। कौन सा मंदिर भाई? मंदिर आगे हनुमान मंदिर है वहाँ पे, तो अभी वहाँ पे हनुमान मंदिर दिखाएंगे। तो चलते हैं, चाट खाते हैं फटाफट और दिखाते हैं आपको जैनबगंज चौराहे का एक्सप्लोरिंग ब्लॉग वीडियो। तो ये भाई साहब है आरुषि यादव नाम से, तो ये हमारा चाट बनके तैयार हो गया है और ये बच्ची है जिसके नाम से इस चाट की दुकान है। तो भाई आप लोग आना तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना और चाट भाई साहब का खाना स्वादिष्ट रहेगा और लोग भाई साहब का आपका सपोर्ट भी हो जाएगा। ये जैनबगंज में है और पंचवटी हनुमान जी का ये मंदिर और चौराहे का दृश्य हमने आपको दिखाया। तो इस वीडियो में यहीं तक है जैनबगंज का, जो आप नज़ारा देख चुके हैं ये जैनबगंज चौराहे का है और यहाँ पे लिखा भी है जैनबगंज हनुमान मार्केट जैनबगंज अमेठी। तो एक बार फिर से देखिए पंचवटी हनुमान मंदिर और भगवान श्री राम जी का मंदिर। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।